बहुत वर्ष पहले मेरे मन में एक वृत्ति उठी थी, ये काम मुझको करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। क्यों? समर्थ के होते भी मैं नहीं कर पा रहा था, इसलिए क्योंकि मैं अष्टयाम सेवा चिंतन करता हूं, सीताराम जी की अष्टयाम सेवा करता हूं, हर समय मेरा मन सीताराम जी की सेवा में रहता है, मानसिक अष्टयाम सेवा का मैं चिंतन करता हूं, तो मेरे पास, मेरे मन के पास इतना समय नहीं कि जो मैं काम करना चाहता हूं, मेरे मन में एक वृत्ति उठी थी प्रभु इच्छा से, वो मैं कर नहीं पा रहा हूं, वो मेरा काम तुम बेटा करो। कहा कि वो काम क्या है गुरुदेव, जो आप करना चाहते हैं लेकिन वो काम करने के लिए आपके पास समय नहीं है, वो कार्य क्या है आपका? तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा अग्रदास कहे सुनो तुम्हारे ऊपर कृपा हुई जिनकी, करो सदा गुण गान उन्हीं का, कहो सदा महिमा उनकी, करो सदा गुण गान उन्हीं का, कहो सदा महिमा उनकी। बेटा ये तो आपने संत सेवा का प्रताप स्वयं अपने जीवन में अनुभव कर ही लिया है, संतों की कितनी महिमा है ये स्वयं तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है। तो मेरी इच्छा यह है कि मेरा जो काम है तुमको करना, काम क्या है कि तुम्हारे ऊपर जिन संतों की कृपा हुई है उन संतों की महिमा का गान करो, एक ग्रंथ लिखो जिसमें सतयुग से लेकर के आज तक जितने भी नारायण के, सीताराम के, राधा कृष्ण के जितने भी परम प्रेमी संत भक्त दीवाने हुए हैं उनका चरित्र तुम लिखो। और बेटा तुम ही लिख सकते हो, साधारण व्यक्ति संतों का चरित्र नहीं लिख सकता, क्योंकि संतों का जीवन कैसा है, क्योंकि पूर्ण हुए बिना पूर्ण संत की पूर्णतया पहचान हो ही नहीं सकती। बाहर से संत क्या है इससे हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भीतर से क्या है, बाहर का देख करके, क्योंकि बाहर से संत साधारण से दिखाई दे सकते हैं, क्रोधी दुर्वासा ऋषि की तरह दिखाई दे सकते हैं, बाहर से संत साधारण से दिखने पर भी भीतर से क्या होते हैं कोई साधारण व्यक्ति जान नहीं सकता। संतों के भीतर जिसने प्रवेश करना सीख लिया है, जैसे तुमने अभी मेरे भीतर प्रवेश किया है, संतों के भीतर जो प्रवेश करना सीख गया है वही संत का चरित्र लिख सकता है, उसकी जीवन गाथा लिख सकता है जो तुमने सीख लिया है। क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पिशाचवत नाना रूप धरो योगी विचरंती महीतले। इस धरातल पर संत बाहर से अनेक प्रकार के आचार विचार वालों होते हैं, और कहीं तो आचार विचार का बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रखते, स्नान तक नहीं करते, शौच जाकर के हाथ तक नहीं धोते, बिल्कुल अपवित्र जैसे रहते हैं, भ्रष्ट से रहते हैं, भूत पेशाच की तरह रहते हैं। हमारे गोवर्धन में एक संत है, जंगल में पड़े रहते हैं, गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा से बाहर भी नहीं जाते। अभी पीछे बीमार हुए, डॉक्टरों के पास जाने से मना कर दिया, अंदर डॉक्टर आए परिक्रमा में, वहीं पर उनका ऑपरेशन किया, लेकिन गिरिराज की परिक्रमा से बाहर नहीं गए, और कपड़े भी नहीं पहनते, लंगोट तक नहीं लगाते, धूल में सने रहते हैं, गालियां देते मां की बहन की, कोई उनके पास आता तो पत्थर फेंकते हैं, गंदे गंदे गालियां देते हैं।
और अपनी कुटिया के सामने स्वयं उन्होंने अपने हाथों से लिखा है, बाबा भ्रष्ट है, इसके पास रात को महिलाएं आती हैं, स्वयं लिख रखा उन्होंने। एक जगह प्लेट लगा रखी, लिखा उसके ऊपर, ये बाबा दुराचारी है, बलात्कारी है, ये लिखा है, कोई यहां ना आए। एक जगह प्लेट पर उन्होंने लिख रखा जंगल में ही, ये बाबा पागल हो गए, कईयों को मार चुका है, आसपास भी कोई ना आए। अब देखिए वो सिद्ध संत है, राधा रानी के अनन्य उपासक है, और इतने बड़े कवि हैं, कम से कम मोटे मोटे 8-10 ग्रंथ लिख चुके हैं, पदों में बहुत बड़े कवि हैं, किसी को सुनाते नहीं। जब भी मैं कभी जाता हूं तो अपनी लिखी रचनाएं मुझको सुनाते हैं, नंग धड़ंग पड़े रहते हैं, नाक में नथनी पहन के रहते हैं, हाथों में चूड़ियां हैं, दो दो चोटियां करके रखते हैं, और ये सब श्रृंगार करके फिर ब्रज रज से सने रहते हैं, धूल ऊपर डाल के। मेरे साथ एक बार उन्होंने भागवत की कथा सुनी थी, 7 दिन तक ना उन्होंने पानी पिया, ना भोजन किया, ना सोए, का जिस रीति से राजा परीक्षित ने कथा सुनी उसी रीति से मैं भी भागवत कथा सुनूंगा। अब देखिए बाहर से संत कैसे लगते हैं, गालियां देते हैं। एक बार मैंने अपने एक साधक को भेजा, जाओ उनसे मिल के आओ, दर्शन करके आओ, तो चले गए। मैंने कहा था उनको कि ये बताना कि मुझको महाराज जी ने भेजा है, राधा कृष्ण परिवार से आया हूं, फिर तुमको सत्संग देंगे। लेकिन उन्होंने हमारा नाम ही नहीं लिया, बताया नहीं कि मैं राधा कृष्ण परिवार से आया, उन्होंने भेजा, चले गए। डंडे से पिटाई हुई, और तब तक उनको पीटते रहे बांस से जब तक वो भागे नहीं। उसके बाद वो परिक्रमा में चले गए, कुछ समय के बाद मेरे पास फिर वो साधक आए, फिर आप बीती, उन्होंने बताई कि आपने वहां भेजा संत के पास, उन्होंने तो बहुत बुरी तरह से पीटा मुझको। हमने कहा कि आपने हमारा नाम नहीं लिया था, क्या नहीं लिया था, फिर गलती तुमने की है, अब दोबारा जाओ। कहता अब नहीं जाऊंगा, मैं घबराओ मत, मेरा नाम ले देना, कहना कि महाराज जी ने भेजा, मैं राधा कृष्ण परिवार से आया। फिर गए दोबारा, उषा जी भी गए थे उनके पास एक बार, फिर दोबारा गए, उन्होंने बताया कि मुझको महाराज जी ने भेजा, फिर उनको सत्संग दिया, फिर अपने पास बैठा कर, फिर अपने पागलपन को एक तरफ उतार दिया, फिर उनको बैठा करके सत्संग दिया। गुरु महिमा संत महिमा का बखान किया, क्योंकि संत ही संत को जान सकता है, पूर्ण हुए बिना पूर्ण संत की पूर्णतः पहचान कोई कर ही नहीं सकता। तो क्वचित भ्रष्टा क्वचित शिष्टा क्वचित भूत पेशाचवत नाना रूप धरो योगी विचरंती मही तले, नंग धड़ंग पड़े, तो बाहर से कोई पहचान नहीं कर सकता। संत पता नहीं किस रंग में खेल रहे हैं। तो इसलिए कहा कि बेटा बाहर से संत कैसे हैं, यदि कोई उनके बाहर का चरित्र लिखे तो ये उनके चरित्र के साथ अन्याय होगा। संत की जीवन गाथा वही लिख सकता है जिसने संत के भीतर प्रवेश किया, भीतर से क्या है,